सुल्तानपुर के कुड़वार थाने पर तैनात सिपाही राहुल सिंह का मुरली नगर बाजार के पास हुआ एक्सीडेंट। इलाहाबाद जिले के निवासी सिपाही को जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने किया लखनऊ रेफर। हादसे के दौरान सिपाही के सिर में लगी गंभीर चोट। सुल्तानपुर में एक महिला ने कुल्हाड़ी से किया वार, विद्युत संविदा कर्मी समेत 3 लोग हुए घायल। लकड़ी काटने के विवाद में दबंग महिला ने बोला हमला। कुड़वार ब्लॉक के सामने की बताई जा रही घटना। सुल्तानपुर में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित हुई बैठक। युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए प्रयास किए जाने पर दिया गया बल। बैठक के दौरान कई अधिकारी रहे उपस्थित। सुल्तानपुर में उत्कर्ष के निधन पर पत्रकार संघ ने रखा 2 मिनट का मौन। दी गई श्रद्धांजलि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के फाउंडर सदस्य भगवान प्रसाद उपाध्याय के प्रपौत्र उत्कर्ष की एक सड़क हादसे में हुई थी आकस्मिक मृत्यु। श्रद्धांजलि सभा के दौरान भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर में गाड़ी पर प्रेस और पुलिस लिखवाकर चलने वाले लोगों पर होगी बड़ी कार्यवाही। अवैध रूप से अपने गाड़ी पर पुलिस और प्रेस लिखवाकर चल रहे लोगों पर होगी कार्यवाही। ऐसे गाड़ियों का चलान करना पुलिस ने किया शुरू। सुल्तानपुर के गौरव आईपीएस धवल जायसवाल की बेहतरीन कार्यशैली का कायल हुआ कुशीनगर। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं सुल्तानपुर के धवल जायसवाल। बेहतरीन पुलिसिंग के कारण धवल जायसवाल की लोग कर रहे प्रशंसा। सुल्तानपुर में जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी ने सुनी जनता की समस्याएं। निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को किया निर्देशित। जनता दर्शन के दौरान भारी संख्या में फरियादियों का लगा रहा जमावड़ा। सुल्तानपुर की धनपतगंज पुलिस ने चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। मस्जिद से एक दिन पहले हुई थी चोरी। मामले में पुलिस ने चोरी के इन्वर्टर व बैटरी समेत चोर को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में सिटी स्कैन सेंटर में अव्यवस्था बढ़ा रही मरीजों का दर्द। मिनी ट्रामा सेंटर अमहट परिसर में बने सिटी स्कैन सेंटर में जमीन पर घंटों बैठकर अपनी बारी का लोगों को करना पड़ा इंतजार।